जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे ग्रहों के मरण कारक स्थान के ऊपर, जहाँ पे ग्रह बैठ के अपने आप को निस्तेज मानते हैं। तो दोस्तों हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल भी अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो, जो मैं कभी नहीं चाहता हूं कि हो, कृष्ण की कृपा से कोई आपको एडवाइस लेनी हो, दशा के बारे में पूछना हो, ग्रहों के बारे में पूछना हो, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए मेरे नंबर वीडियो में दिए रहते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो सरल तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से, आनंद से, वो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं कोर्स के बारे में, फीस के बारे में, इन्हीं नंबरों पे और ईमेल के थ्रू आप मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मरण कारक स्थान कौन कौन से होते हैं ग्रहों के लिए, देखिए दोस्तों मैं आपको इस चीज़ का अर्थ बता दूँ कि कभी कोई ग्रह कुछ स्थानों पे बैठ के अपने आप को बहुत ज़्यादा बलवान समझते हैं, उनको मान सम्मान जैसे वहाँ पे प्राप्त होता है, उनके जो एनर्जीज हैं उनके हिसाब से वो घर उपयुक्त होते हैं, तब हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो ग्रह हैं वो हर्षित हैं, या हम लोग कहते हैं कि भाई इस जगह पे बैठ के घर को जो है दिग्बल प्राप्त हो गया। जैसे सूर्य पहले घर में बैठ के बड़े हर्षित होते हैं, भाई मान सम्मान की बात है उनके लिए, पहले घर में बैठे हैं, राजा हैं, तो एक सीट पे बैठे हुए हैं, गवर्निंग पहले घर में ही बैठे हुए हैं पत्रिका के, तो उनको मान सम्मान प्राप्त होता है, तो वो हर्षित होते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसी तरीके से जब ग्रह उन घरों में बैठ जाते हैं जाके, जहाँ पे उन घरों की एनर्जी ग्रहों के साथ नहीं मिलती है, तो उस समय वो एक तरीके से निस्तेज हो जाते हैं, या अपने जो कारक तत्व होते हैं उसमें उनको जो है कमी महसूस होती है, एबिलिटी में कमी आती है, तो उनके लिए वो एक तरीके से मरने के बराबर ही होता है, जैसे उसको इस तरीके से आप लीजिए। लेकिन हाँ, यहाँ मैं आपको अवश्य ये बता दूँ, जहाँ मैं उनकी पोजीशंस बताने वाला हूँ आपको, वहाँ पे ये बात अवश्य ध्यान में रखिएगा कि अगर वो ग्रह जो है अपने राशि के बैठे हुए हैं, उच्च के बैठे हुए हैं, उच्च राशि में हो के बैठे हुए हैं, अगर विपरीत राजयोग बना रहे हैं किसी तरीके का, उनके जो साइन का लॉर्ड है जिस घर में वो बैठे हुए हैं, अगर उनका जो साइन लॉर्ड है वो अच्छे घरों में बैठा हुआ है, ये सारी पोजीशंस भी आपको देख के तब तय करना पड़ेगा कि प्लैनेट या ग्रह जो है उस स्थान में बैठा हुआ हानि करेगा या फिर आपको जो है शुभ फल प्रदान वो अंततः करेगा। लेकिन कमी अवश्य आती है जब ग्रह ऐसे स्थानों में बैठ जाते हैं जहाँ पे उनको अपने बल के अनुरूप काम करने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों हम लोग पहले ग्रह के बारे में बात करते हैं। पहला ग्रह है सूर्य। सूर्य देखिए अगर बैठ जाता है 12वें स्थान में, अब 12वां स्थान जो है हानि का है, लॉस का है, कई प्रकार की ये स्पिरिचुअलिटी से भी देखिए रिलेटेड है, लिबरेशन का घर है, यहाँ से हर चीज़ मुक्त होती है, जैसे ये आप भी कह सकते हैं। अब सूर्य देखिए ठहरा राजा, वो ऊर्जावान है, हर प्रकार का उसको जो है ऑनर चाहिए, कॉन्फिडेंस उसको चाहिए, उसकी अपनी एक ईगो है, उसका एक मान है, रुतबा है। अब वो इस घर में जब जाके बैठ जाएगा तो वो सारी चीज़ें एक तरीके से हानि में चली जाएंगी, लॉस में चली जाएंगी, कॉन्फिडेंस नीचे चला जाएगा। सूर्य जो एक स्वास्थ्य का कारक है, आप ये भी कह सकते हैं 12वें घर में बैठा अगर होगा तो स्वास्थ्य भी धूमिल कर सकता है, ईगो को धूमिल कर सकता है, आपके मान सम्मान को धूमिल कर सकता है। तो 12वें स्थान में बैठा हुआ सूर्य अपने आप को
तेज नहीं पाता है अपने अंदर, अपने आप को बंधा हुआ पाता है अपने आप में। ये समझ आप कह सकते हैं कि ये उसके लिए एक बहुत मजबूरी की स्थिति है, मरण कारक स्थिति होती है। हाँ, यहाँ पे वो कौन सी राशि में बैठा है, कहीं वो स्वराशि में तो नहीं है या उच्च राशि में तो नहीं है या किसी प्रकार का विपरीत राजयोग तो नहीं बना रहा है, ये सारी चीज़ें अवश्य देख लेनी चाहिए। अब यहाँ पे जब सूर्य बैठ के मरण कारक स्थिति में हो गया, तब आपको ये चीज़ पहले समझ जानी चाहिए कि हमको जो है हमारे जीवन में स्वास्थ्य को लेके, हमारे ईगो को लेके, मान सम्मान को लेके, किसी पद या पोजीशन को लेके हमारे जीवन में अवश्य डिस्टर्बेंसेस होंगी। पिता के साथ भी हमारे संबंध खराब रह सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो है पिता का भी देखिए कारक है। तो इस तरीके से सूर्य यहाँ पे आपको दिक्कत देगा। जिनकी पत्रिका में 12वें स्थान में सूर्य बैठा हुआ है, ये उसके लिए मरण कारक स्थान है। हम लोग बात कर लेते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा देखिए पीस ऑफ माइंड का ग्रह है, खुशियों का ग्रह है, आनंद का ग्रह है, लग्जरी का ग्रह है, कंफर्ट का ग्रह है। किसी की भी पत्रिका में अगर चंद्रमा 8वें स्थान पे बैठा होगा तो उसके लिए ये मरण कारक स्थिति होगी, क्योंकि 8वां घर है सडन चेंजेस का, ट्रांसफॉर्मेशंस का, बहुत ज़्यादा उलझनों का, बहुत ज़्यादा डीपनेस का। चंद्रमा जो है बड़े आरामदायक ग्रह हैं, बहुत आनंद और सुख के ग्रह हैं, तो वो उस घर की इंटेंसिटी को समझ पाने में, उनके साथ तारमताय बैठा पाने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा अपने आप को बलहीन हो जाता है, यहाँ पे मानता है, उसका तेज चला जाता है, यूं कह सकते हैं आप। काफ़ी दिक्कतें आती हैं मूड स्विंग्स की, माता के साथ परेशानी, कंसंट्रेशन ना हो पाना, माइंड छोटी छोटी बातों से घबरा जाना, उलझ जाना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जीवन में आते रहना, कई तरीकों के सुख की हानि होते रहना, ऐसी स्थिति में उत्पन्न होती देखी गई है। माता जी के साथ भी देखिए संबंध खराब हो सकते हैं, बाल्यकाल की स्थिति अच्छी नहीं रह सकती है, क्योंकि चंद्रमा बाल्यकाल को रिप्रेजेंट करता है, तो कई प्रकार की दिक्कतें तब हो सकती हैं, कई प्रकार के, जैसे मैंने आपको कहा है कि सुख की उनको हानि होती। तो चंद्रमा जब 8वें स्थान पे बैठता है तो आप मान के चलिए कि ये उसके लिए बहुत बुरी पोजीशन मानी जाती है, उसको बहुत फाइट करना पड़ता है इस चीज़ों से निकलने के लिए। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जिनकी भी पत्रिका में चंद्रमा 8वें स्थान पे बैठा हुआ है तो उनको अपने मन से बहुत मजबूत होना पड़ेगा, उनको बहुत कंसंट्रेटेड लाइफ जीनी पड़ेगी, हर परेशानियों को, कष्टों को संभलने के लिए, समझने के लिए अपने मन को मजबूत रखना पड़ेगा, अपने मस्तिष्क को हमेशा तैयार रखना पड़ेगा किसी भी सडन ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए। आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि सुख या खुशियाँ हो सकता है कुछ अंतराल के बाद आपको मिले या कुछ डिस्टर्बेंसेस के बाद मिले। यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा उपयुक्त नहीं माना जाता है। दोस्तों हम लोग बात करते हैं मंगल की। मंगल देखिए पत्रिका में जो है शौर्य का कारक होता है, हमारे डेली रूटीन में जो भी हम काम करते हैं, हमारे हिम्मत का, हौसले का, एक जज्बे का जो है कारक होता है, हमारी मसल पावर है, स्ट्रेंथ है हर प्रकार की। तो मंगल जो है ऊर्जा है, एक एनर्जी है सूर्य की तरह। अब वो भी देखिए कहीं 10वें स्थान में बैठा हो, 6ठे स्थान में बैठा हो, हर्षित होता है लड़ाई झगड़ों के बीच में, काम के बीच में, आपाधापी के बीच में। एक सोल्जर को अपने गुणों में निखार लाने के लिए बहुत संभावनाएं होती हैं। अब वो 7वें स्थान पे अगर बैठा दिया जाए तो ये उसके लिए मरण कारक स्थिति हो जाती है, क्योंकि 7वां स्थान देखिए एक तो काम त्रिकोण है, मंगल पैशन के लिए अवश्य जाना जाता है, लेकिन वो हर समय उन चीज़ों में लगा रहे, या कोऑर्डिनेशन का भी एक घर है 7वां स्थान, लोगों से रिलेशनशिप बनाने का, एडजस्ट करके चलने का रिलेशनशिप्स में, ये सब मंगल को नहीं आता है। वो अकेले बढ़ने वाला है, अकेले काम करने वाला है, अकेला लोहा लेने वाला
ग्रह है, तो इसलिए लोगों के साथ एडजस्टमेंट करना, रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छे मधुर व्यवहार बना के चल पाना, उसको ये चीज़ों की समझ नहीं है, ना वो इस तरीके से बिहेव करना चाहता है। इसीलिए सातवें स्थान में बैठ के वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ, फंसा हुआ पाता है। कुंडली की ये कुंडली में ये स्थिति जो है मांगलिक दोष भी उत्पन्न करती है, लाइफ पार्टनर के साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसी की वजह से आती हैं, क्योंकि ये उसके लिए उपयुक्त स्थान नहीं होता है। परिवार में समस्या आती है, आपकी यहाँ पे बैठ के मंगल जो है अपनी ऊर्जा के हिसाब से काम नहीं कर पाता, या यूँ कहें बहुत फंसा हुआ महसूस करता है अपने आप को, जो उसकी ऊर्जा है सही तरीके से निकल नहीं पाती है, ना काम में, ना अपने रिलेशनशिप्स में, ना लोगों के साथ, लड़ाई झगड़े होना, गलत बोल जाना लोगों के साथ, परिवार में विघटन हो जाना, यहाँ पे फिर नॉर्मल सी चीज़ हो जाती है। तो जिनकी भी पत्रिका में मंगल सातवें स्थान में बैठा हो तो उनको तुरंत ये समझ जाना चाहिए कि ये इन लोगों के लिए ट्रबलसम स्थिति उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि ये मंगल के लिए बंधा हुआ स्थान है। यहाँ पे मंगल की एनर्जी उस घर के मुताबिक नहीं है, अवश्य प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लोगों के साथ, रिलेशनशिप में, एडजस्टमेंट्स में, मैरिड लाइफ में, हर जगह वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपको अपना नेचर उसके हिसाब से बदलना अवश्य है, ये आप लोगों को अवश्य तय करना पड़ेगा। ये स्थिति मंगल की यहाँ पे अच्छी नहीं मानी जाती है। हम लोग बात कर लेते हैं बुध की। देखिए बुध के लिए मरण कारक स्थान जो है कहा जाता है कई विद्वानों या शास्त्रों के हिसाब से चौथा स्थान भी। कि देखिए बुध जो है कई मामलों में व्यापार से भी जुड़ा हुआ है, कई मामलों में वो जुड़ा हुआ है बाहर घूमने फिरने के लिए भी, प्लेफुल है वो, बहुत ज़्यादा जो है बाल हमारे जो है बालकाल से भी रिलेटेड है, यूथ से भी रिलेटेड है हमारे। तो देखिए उसको आप घर में कन्फाइंड कर देंगे, चौथे घर में अगर किसी के बुध बैठा हुआ है तो वहाँ पे भी अपने आप को वो इस स्थिति में पा सकता है, मरण कारक स्थिति में, कि आप उसको बांध के किसी को, बच्चे को घर पे बैठाना चाहें तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कई प्रकार की। क्योंकि देखिए उसको पसंद है हर प्रकार की कम्युनिकेशन, उसको पसंद है लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, और घर में उसको रह के वो चीज़ बिल्कुल नहीं मिल पाती है, परेशानी होने लग जाती है वहाँ पे बुध को, उसकी एनर्जी सही से यूटिलाइज नहीं हो पाती है। इसीलिए बुध के लिए मरण कारक स्थान चौथा स्थान कहा गया है। कहीं कहीं पे बुध के लिए मरण कारक जो स्थान है वो कहा जाता है सातवां स्थान भी, क्योंकि उसको कहा जाता है कि बुध जो है एक नपुंसक ग्रह है, इसलिए सातवें स्थान में बैठ के उसके लिए ये मरण कारक स्थिति हो जाती है, क्योंकि रिलेशनशिप्स और पैशन उसके अंदर नहीं है, तो यहाँ पे वो अपने आप को अपने स्वभाव से विपरीत पाता है, तो इस स्थिति में भी उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो है इंगेज करने में, किसी प्रकार की प्रेम में, पैशन में, उस तरीके की चीज़ों में। यहाँ पे बुध जो है अपने आप को बंधा हुआ पाता है इस घर में सातवें स्थान में भी, तो यहाँ के लिए भी उसके लिए कहा गया है कि ये उसके लिए मरण कारक स्थिति है। परंतु इसके ऊपर मैं वीडियो अवश्य बनाऊंगा कि जो बुध को नपुंसक ग्रह कहा जाता है उसकी वजह कुछ और है, उसका वो मेंटल फ्रेम की बात हो रही है, ना कि वो नपुंसक ग्रह है। उसके वहाँ पे बैठने से इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वो किसी प्रकार से प्रेम में कम उसको आंका जा सकता है। उनका विवाह हुआ है, उनकी पत्नी का नाम इला है, उनके पुत्र का नाम पुरु है, इसीलिए आप ये बिल्कुल नहीं मान सकते हैं कि जो नपुंसकता की बात बुध के लिए करी जा रही है वो किस विषय या किस संदर्भ में करी जा रही है। वो इसलिए करी जा रही है यहाँ पे कि वो इन चीज़ों में, इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं है, इन चीज़ों के लिए। वो बात एक अलग है कि उसने वो काम करना है तो वो करके आगे बढ़ जाता है, परंतु हाँ जो मेजर उसका काम है वो ये चीज़ नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि बुध सातवें स्थान में बैठ के बहुत ज़्यादा
उस काम के लिए फेवरेबल नहीं है, या उसको किसी का साथ चाहिए, कोई और दूसरी एनर्जी चाहिए अपने आप को बढ़ाने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। उस चीज़ के लिए भी अवश्य मैं वीडियो बना के आपको उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूंगा। हम लोग बात कर लेते हैं अब बृहस्पति के लिए। देखिए, जो गुरु हैं, गुरु के लिए मरण कारक स्थान कहा गया है तीसरा स्थान। देखिए, क्योंकि गुरु जो हैं वो धर्म, ज्ञान, विवेक, समझदारी, पुराण, रिलीजन, इन सब चीज़ों से उनका पाला पड़ता है, वो उन चीज़ों में प्रसन्नता पाते हैं। तीर्थ या समझदारी की बातें, ज्ञान की चीज़ें, और हमेशा जो है वो भक्ति भाव, समाज सेवा, लोगों की मदद करना, एक जो अंदर से जो है जिसको कहते हैं अच्छा करने की, लोगों के लिए जो ललक होती है, वो जो नेचुरल ललक होती है, वो बृहस्पति में। अब अगर उनको तीसरे स्थान पे बैठा दिया जाता है तो ये उनके लिए मरण कारक स्थान माना जाता है। वजह ये है क्योंकि देखिए, तीसरा स्थान है हमारे डिज़ायर्स का, हमारी इच्छाओं का, हमारे काम त्रिकोण भी माना जाता है, लोअर माइंड माना जाता है जिसको कहा जाता है, या नेगेटिव माइंड आप कह लीजिए माना जाता है, पड़ोसियों का, बातचीत का, हर तरीके का घर माना जाता है तीसरा। तो बृहस्पति यहाँ बैठ के बहुत ज़्यादा समझ लीजिए अपने अपने कार्य के अनुरूप कार्य नहीं कर पाते हैं जो उनका काम है। ना उनको किसी से बातें करना ज़्यादा पसंद है कि वो छोटी मोटी बातें अपने नेबर्स के साथ या पड़ोसियों के साथ करके बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं, या चुगली कर रहे हैं किसी की, या हमेशा जो है किसी काम के या डिज़ायर्स की बातें कर रहे हैं, ये सब उनको नहीं आता। किसी षड्यंत्रों में पड़ना, या कभी किसी के खिलाफ बात करना, पीठ पीछे बात करना, या गलत सोचना, ये सब काम उनके पास नहीं रहते हैं जो तीसरे घर के मोस्टली काम देखे जाते हैं कई चीज़ों के लिए। उनका हमेशा जो है काम या उनका मुख रहता है वेदों की तरफ, धर्म की तरफ, ज्ञान की तरफ, सच्चाई की तरफ, अच्छाई की तरफ, और तीसरा घर उनको इस चीज़ के लिए उपयुक्त नहीं लगता है। इसलिए यहां पे वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, यहां पे अपनी ऊर्जा को वो सोचते हैं कि हमारी ऊर्जा व्यर्थ जा रही है। तो जिनकी भी पत्रिका में बृहस्पति तीसरे स्थान में बैठे हों, उनको अवश्य ध्यान रखना चाहिए, उनको कई प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है ज्ञान में। उनको हमेशा गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, हमेशा जो है उन लोगों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ज़बरदस्ती की कोई गॉसिप में, ज़बरदस्ती की कोई प्लॉटिंग में, प्लानिंग में बिल्कुल भी मत पड़े, क्योंकि यहाँ पे बैठ के बृहस्पति उनका फिर और ख़राब होगा। तो उसको अच्छा बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए हमेशा धर्म की तरफ, ज्ञान की तरफ, वेद पुराणों की तरफ, शास्त्रों की तरफ हमेशा उनका झुकाव रहना चाहिए। नहीं तो बृहस्पति यहाँ बैठ के उनको काफ़ी तंग करता है, काफ़ी टीचर्स से भी उन लोगों को कोई अच्छा गुरु ना मिल पाना कभी इस तरीके की स्थिति देखी जाती है। कभी ये ऐसे लोगों को जो है अपना बड़े भाइयों से भी कभी कई प्रकार का उनको जो है प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। स्त्रियों के लिए जो है वो हस्बैंड का कारक होता है, पति का कारक होता है बृहस्पति, उस संबंध में उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो बृहस्पति तीसरे घर में बैठ के न्याय नहीं कर पाते हैं अपनी सारी क्वालिटीज़ के साथ, ये उनके लिए बड़ी दुविधात्मक घर माना जाता है तीसरा घर जो होता है। तो अपने आप को बहुत प्रॉब्लम में पाते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं अब शुक्र की। शुक्र देखिए, हर प्रकार का लग्जरी, कंफर्ट, हर प्रकार का जो है सुख सुविधा, हर प्रकार की सुंदर चीज़ें जीवन में, हर प्रकार के जो आरामदायक स्थितियां हैं, एक सुंदरता का कारक है हमारे जीवन में, हमारी पत्री में उसका। अब अगर शुक्र जो है छठे स्थान पे किसी की पत्रिका में बैठ जाता है तो वो अवश्य ये आप सोच लीजिए कि उनको दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि सुख की हानि होगी, कंफर्ट की, लग्जरी की, हर प्रकार की उनको हानि होती हुई दिखाई देगी। स्त्री का कारक है शुक्र, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देगी ही देगी उन लोगों को। इन चीज़ों में रिलेशनशिप्स में दिक्कत आएंगी हर प्रकार की, क्योंकि देखिए छठा स्थान किस चीज़ का है? वाद विवाद का है, लड़ाई झगड़े का है, परेशानी का है, हर प्रकार के झगड़े झंझट का है, कोर्ट केसेस का है,
वहाँ शुक्र बैठ के अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं, उनकी एनर्जी इस घर के साथ नहीं मिल पाती है। आप पहले ही जान लीजिए, आप पहले ही समझ लीजिए, ये स्थान शुक्र के लिए मरण कारक साबित होगा। इस प्रकार की दिक्कतें आपके जीवन में आएंगी ही आएंगी। सुख कई बार आपको जो है दगा देगा, धोखा देगा इस मामले में, तो इस पे आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा हर प्रकार से। तो छठा स्थान जो है शुक्र के लिए मरण कारक माना जाता है। हम लोग बात कर लेते हैं शनि के लिए। देखिए, शनि हमारी पत्रिका में जो है काम करने का, सर्विंग का, सेवा भाव का, एक डिसिप्लिन का, एक जो डिसिप्लिन में काम करना है, लोगों की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, उनके अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन टच है, ये उस तरीके के सेवक अपने आप को मानते हैं। उनका सबसे पहला मानना है शनि महाराज का जीवन में कि आपको लोगों की सेवा करनी चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए, ये अपना परम धर्म मानते हैं। अब वो जब पहले स्थान पे बैठ जाते हैं किसी की भी पत्रिका में, तो वो अपने आप को यहाँ पे बिल्कुल भी नॉर्मल, बिल्कुल इजी महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि पहला घर डोमिनेंस का है, ईगो का है, कॉन्फिडेंस का है, राजा का है, पद का है, पोजीशन का है। अब वो अपने आप को यहाँ फंसा हुआ महसूस करते हैं कि मैं जो हूँ लोगों की सेवा करने के लिए हूँ, कि यहाँ पे राज्य करने के लिए हूँ, तो यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस वाली एनर्जी को देखने के लिए। तो यहाँ पे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा आरामदायक महसूस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर की जो इच्छाएं होती हैं, जो उनके अंदर की जो एक क्वालिटी है, यहाँ पे उनको अपने अनुरूप काम नहीं करने देती है, वो क्लैश होती है एनर्जी। और पहले घर में बैठा हुआ शनि फिर कई प्रकार की सेवा में, कई प्रकार की नौकरी में व्यवधान, आपको अर्निंग में व्यवधान, जो आपकी आय है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कई प्रकार की लेजीनेस आपको देता है जीवन में, कई प्रकार की डिलेज आपको जीवन में देता है, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको पहले घर में बैठ के देने लग जाता है, क्योंकि पहला घर उसके अनुरूप नहीं होता है, वो शासन नहीं करना चाहता है, पद पोजीशन इन चीज़ों को वो नहीं चाहता है, इससे बचता है, तो इसके विपरीत आपको ले जाने की फिर वो कोशिश करता है। तो पहले घर में बैठा हुआ शनि जो है मरण कारक कहा गया है। इस तरीके की समस्याएं, नौकरी में समस्याएं, रोजगार में समस्याएं, आपके पैसा कमाने में समस्या आपको अवश्य आती है जब शनि फर्स्ट हाउस में बैठा होता है। कई प्रकार के डीले होते हैं, अपने आप अपने ऊपर संशय करने लग जाते हैं अपने ऊपर, जिनके पहले घर में शनि बैठा होता है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है लोगों का, जातकों का, जब पहले घर में शनि बैठा होता है, क्योंकि ये उसके लिए मरण कारक स्थान होता है। ज़्यादा मेहनत करना, ज़्यादा संघर्ष करना यहाँ पे आपको ज़रूरी हो जाता है इस एनर्जी को समझ के। तो दोस्तों, इसमें जो ग्रहों की मैंने आपको बात बताई है, देखिए जब उनकी दशा आती है, उनके जीवन में अंतर दशा आएगी आपकी इन ग्रहों में, ग्रहों की, जो अगर ये मरण कारक स्थान में बैठे होंगे, तो अवश्य उस समय ये ज़्यादा प्रॉब्लम देने की कोशिश करेंगे। और अगर नवमाशा में भी इनकी इस तरीके की ही पोजीशन बनती है, तब भी आपको ये इसी प्रकार से प्रॉब्लम दे सकते हैं। इसमें राहु और केतु को इसलिए नहीं इंक्लूड किया गया है क्योंकि वो अलग अलग ग्रहों के, जिनके भी घर में बैठते हैं, उनके हिसाब से फल देते हैं, उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। वैसे नौवें स्थान में राहु को मरण कारक कहा गया है और कहीं कहीं जो है केतु को तीसरे स्थान के लिए मरण कारक कहा गया है, लेकिन वो अब ग्रहों के अनुसार काम करते हैं। जिनके घर में भी बैठते हैं, अगर उनका स्वामी अच्छे घरों में नहीं बैठा हुआ है, तब वो स्थिति ज़्यादा स्पष्ट होती है। इसीलिए मैंने राहु और केतु को इसमें इंक्लूड करके आपको नहीं बताया है, बाकी ग्रहों के बारे में आपको बताया। अवश्य आप अपनी पत्रिका में देखिए, अगर ग्रह जो हैं आपके मरण कारक स्थान में बैठे हैं, तो आपको अवश्य उनके लिए तैयारी करनी चाहिए, उनके उनको मजबूत करना चाहिए, उनकी एनर्जी समझ के आपको ये समझ लेना चाहिए कि नहीं, ये हमको प्रॉब्लम देंगे ही देंगे, अब आपको उनके अनुसार उस तरीके से काम नहीं करना है, अन्यथा वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे वहाँ पे बैठ के, क्योंकि वो उनके लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिलेगी। कोई भी क्वेश्चन आपको इस
वीडियो से संबंधित मुझसे पूछना हो कमेंट सेक्शन में अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।